कहाँ दिखा हुआ सर? दिखा हुआ कहाँ तो दिख गया? तो सबसे पहले देखिए मार्केट ये 1 kg है, ये हाफ के जी, ये किस प्रेस पे है, मतलब कौन सा ये है आपको सर? प्रेस पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उस हिसाब से तो 1 kg बनाया गया, ठीक है? जैसे पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगा 2 kg तो कितना को 1 kg बोला है वो आपको उस हिसाब से मार्केट वाले 1 kg देंगे या अलग 1 kg प्रेशर में, प्रेशर यूनिट में ये 1 kg जो मतलब हम लोग जो 8th 10th में पढ़ते हैं, 10th में जो पढ़ाई होता है कि कितना फोर्स, कितना बल फोर्स लगा हुआ है, तो ये पर यूनिट, हाँ जैसे बता रहा कि पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा, तो फोर्स का बहुत सारा यूनिट है, पास्कल बनेगा, इसके बाद PSI फोर्स लगते हैं, kg में लगता है, न्यूटन पर सेकंड लगता है, तो अलग अलग यूनिट है, तो ये उसमें kg है, ये kg है, तो डेडवेट जो काम करता है वो kg में काम करता है, ठीक है सर? एक kg है, अब याद रखिए उसी में बता देना सर, उसी तरह का इस्तेमाल है। सबसे पहला हमने लोड दिया 0%, यानी हमारा डेडवेट जो है उसमें क्या क्या है, एक तो आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें वेट रखा जाता है, और इसके बाद में क्या है, एक आपको टैंक है जिसमें ऑयल भरा जाएगा, और इसके बाद में एक पंप, तो पंप से क्या करते हैं हम लोग प्रेशर डेवलप करते हैं, उसके अंदर में हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, और पंप के जरिए से उसको प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है? उसमें एक रिलीज की है, रिलीज की को जब हम खोल देंगे तो क्या होगा, प्रेशर जीरो, तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में परसेंटेज क्या मारा जाएगा, जीरो, जीरो में वेट भी जीरो हो जाएगा, इसलिए कि पूरा प्रेशर हम निकाल दिए, तो इस कंडीशन में आपका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, फोर। अब मल्टीमीटर में हम लोग देखेंगे ये कितना है, ठीक है? तो मल्टीमीटर में अगर फोर आ रहा, सेम वही नियम है, फोर आ रहा तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, अगर फोर से बढ़ गया या घट गया तो जेड को घुमाकर उसको हाल में फोर लाना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम जेड को नहीं घुमा पाएंगे, इसलिए सील किया हुआ, वो अपने पहले जब कंपनी बनाते हैं उसी वक्त इसको कलियर करके सील कर देती है, ठीक है? तो मशरूम खराब होता है तभी बाहर आता है, ठीक है? लेकिन नियम इसके ध्यान लीजिए, कैसे अगर कैलिब्रेट करना हो तो कैसे करना हो, ये निकल गया, इसमें देख नीचे में देखो, उसमें सोल्डरिंग करके दो टो वायर निकालना पड़ा ना जी, देखिए एक तो ये कोना है तो ये कोना ना, दो टो वायर निकाल ले, देखिए सोल्डरिंग थोड़ा थोड़ा लगा हुआ, उसमें से दो टो वायर करके बड़ा करके निकाल लेंगे, निकालने के बाद वही सीरीज बनाएंगे, दो टो वायर जा रहा है यहाँ से, तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर इसको लगा दीजिएगा, ये प्रेशर वहाँ टाइट हो जाएगा डेड वेट में, ये दोनों जो वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें पावर सप्लाई से दे देंगे, इसका भी वही है मिनिमम 30 वोल्ट, मैक्सिमम 30 वोल्ट और मिनिमम 10 वोल्ट, तो हर ट्रांसमीटर का मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार उसका वोल्टेज अलग अलग होता है, तो जहां आप काम कीजिएगा आपको मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे बताएगा आपका सीनियर ये ट्रांसमीटर कितना वोल्ट इसको चाहिए, ऐसे लिखा हुआ रहता है, आप देखिएगा तो कैसे लिखा रहता है और दिखा देंगे, ठीक है? तो इसको करेक्शन कर देंगे, अब इसको बाई टेबल यानी हम डेडवेट का वैल्यू जीरो रखेंगे, 0% यानी 0 kg, इसमें फोर बता रखेंगे, अगर फोर नहीं बता रहा तो वायर तो बड़ा बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेड को अपना स्क्रू से घुमा कर फोर चेक कर लेंगे, फिर उसी तरह से मैक्सिमम जाएंगे 6 kg चढ़ाएंगे, 6 kg चढ़ाने के बाद रिलीज की को बंद कर देंगे, रिलीज की है दिखा के बंद करेंगे, पंप को मारना शुरू करेंगे, पंप कब तक चलाना है, जब तक कि हमारा जो वेट रखे हुए है, तो देखिएगा कि वेट ऑटोमेटिक उठते हुए नजर आए या फ्री हो जाएगा, जब नहीं उठा है तब घुमाइएगा तो नहीं घूमेगा, हल्का सा नहीं घूमेगा, लेकिन जब वो फ्री हो जाएगा तो हल्का सा मारिएगा तो पूरा कैटा दूध ले लेगा, यानी इस बात का इंडिकेशन दे रहा है वो कि पंप का प्रेशर वेट के बराबर हो गया, ठीक है? तो जो प्रेशर वेट के बराबर हुआ वही प्रेशर इसमें भी जा रहा है जी, 6 kg में इसमें भी लग रहा है, तो 6 kg पर 20 देना है, अगर 20 से कम वेट दे रहा है तो इसे ये स्पाइन वाला तो घुमा के 20 लाएंगे, नियम वही, ठीक है? इसमें स्पैन घुमाएंगे या जेड घुमाएंगे,
जीरो के लिए जेड, फोर अगर नहीं है जीरो पर, जीरो अगर दिया है वेट और फोर से कम हो बेस मिल रहा था जेड घुमाएंगे हमेशा हर ट्रांसमीटर में, याद रखिए फोर सेट करने पर जेड घुमाना और मैक्सिमम चेक करने के लिए साइन घुमाना, ठीक है, ये सब ट्रांसमीटर के लिए है ना। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम हो गया, इसको हम फोर कर लिए और इसको ट्वेंटी कर लिए, अब बीच वाला के बारे में जो हम वेट देंगे 1.5 देंगे, 3 के जी देंगे, 4 देंगे, अगर इतना मिल रहा तो बहुत अच्छा है और कुछ कम बेस हो रहा तो एरर है, बीच वाला का सेटिंग अभी तक इसमें भी नहीं मिला, यही आपका कैलिब्रेशन है कनेक्शन वहां बता देते हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए देख लीजिए कैसे लिखा रहता है, 0 to 6 बार, मिनिमम 4, आउटपुट क्या है 4 to 20, डीसी सप्लाई देखिए मिनिमम 10 मैक्सिमम 30 वोल्ट, बारी बारी से देख लीजिए, यही ना जो आप हमको दिखा रहे थे वहाँ पे, वहाँ पे जो दिखा रहे थे वही ना, हाँ वही है लेकिन इसमें जो है लिखा हुआ मिट गया खोलने में, ये हाँ इस पर चला, हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करता है ना तो मोबिल भराता है इसमें, इसमें निकालिए तो आप लोग का मजबूत टंकी में तेल भरेंगे तब ना पंप चलाएंगे तो ये वाला तेल को क्या करेगा उसमें प्रेशर डेवलप करेगा, प्रेशर डेवलप करने में ऑयल मदद करता है ना, हाँ काम है, कौन सा ऑयल है सर, कौन सा ऑयल है, मोबिल है, मोबिल 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 बोलने से बहुत तरह का आता है, इच्छा अलग आता है, करीब 21-22 वोल्ट जो कल चेक किए थे वही वाला है, तो 10 और 30 के बीच में है, अब इसको सीरीज देख कैसे सीरीज बनाया है, ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया, ये हो गया मल्टीमीटर, ये हो गया पावर सप्लाई, ये हो गया डेड वेट, तो डेड वेट में ऑलरेडी ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से दो वायर निकला पॉजिटिव और नेगेटिव जी, तो पॉजिटिव क्या बोले थे कि डायरेक्ट पॉजिटिव में चला गया और नेगेटिव को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, ट्रांसमीटर का नेगेटिव है तो मल्टीमीटर का पॉजिटिव में, और फिर इसका नेगेटिव पावर सप्लाई में, सेम वही कनेक्शन, ठीक है नेगेटिव, आप देखिए ये जो क्या रिलीज की बोलते हैं, देखिए ऑयल टैंक हो गया, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया जिस पर वेट रखाएगा और ये है रिलीज की, ठीक है, अगर इसको हम खोल देंगे पंप मारते रहेंगे तो कोई भी प्रेशर जाएगा नहीं, सब रिलीज होते जाएगा है ना, इसीलिए रिलीज की बोलते हैं इसको, अभी रिलीज क्यों को हम लोग खुले रहने दीजिए, अभी क्या है जीरो प्रेशर जी, कोई प्रेशर नहीं है, तो जीरो प्रेशर में हमको कितना बताना चाहिए, 3.4 बताना चाहिए ना, 4 बताना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर इसको सील को तोड़ नहीं सकते, उसको 4 ही लिखना, कितना लिखना है 4 ही लिखना है ना, इसलिए हो सकता है कि इसका भी कुछ एरर हो जिसकी वजह से वो दे रहा, हालांकि ट्रांसमीटर नया है ना, लेकिन उसको सेट करने का जो तरीका बताया था वैसे ही होगा, ठीक है, उसको जेड वाला को घुमाकर 4 करेंगे, तो शुरू में 4 लिख लीजिए जीरो में, अब हम लोग कितना चढ़ाएंगे मैक्सिमम कितना 6 kg, ठीक, ये हमारा कितना 5 kg, और ये जो प्लेटफॉर्म इस पर रखा हुआ है ये कवर बना के कंपनी जो बनाई है बोली कि हर समय इसका 1 kg इंक्लूड करना है, अगर 2 चढ़ाना है तो 1 इसको मान लेना है, 1 बाहर से चढ़ाना है, अगर 6 चढ़ाना है तो 5 बाहर से चढ़ाना है, 1 kg तो ऐसे में तो 1 kg है, हाँ 1 kg हर हाल में उसको मान के चलना, ठीक है, तो 5 × 6 हो गया, ये घाट है बढ़ जाएगा, नहीं जैसे इसके पहले जो 4 आ रहा है हाँ, तो 0 kg पे ना 4 है ना, ये तो रिलीज की खुला है ना, तो आप वेट रख भी दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो खुला हुआ, अब इसको हम लोग बंद करेंगे, हाँ देखिए इस बल्ब अभी बंद है, हमेशा याद रखिए पाइप के घर में जैसे नल होता है ना, पाइप के डायरेक्शन में खुला रहता है जी, और पाइप के 90 डिग्री में अगर हैंडल है तो बंद रहता है, तो ये पाइप इधर जा रहा है, तो ये देखिए ये अब खुल गया, ये टच कर रहा है सर, टच कर रहा है, अच्छा ठीक है इतना छोड़ा, अब रिलीज की को बंद कर ये वाला बंद ही रहेगा सर, वो इधर कहा नहीं है, यहाँ से निकल रहा था, इधर तो जाएगा ही सर, तो इसमें भी चल जाएगा, जाएगा लेकिन हमको छोड़ देगा,
हमको उसको देखना है। इधर हाँ उधर भी जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पंप को चलाएंगे, रिलीज की को बंद कर दी जी, पंप को चलाएंगे, तब तक चलाएंगे। देखिए अभी इसको घुमा के देखिए, घूम नहीं रहा जी, नहीं घूम रहा, लेकिन जब फ्री हो जाएगा तो पूरा घूमेगा, या उठते हुए लिफ्ट होते हुए भी नजर आएंगे। बताएगा इंडिकेट, लेकिन इसका नहीं, हमको प्रेशर ट्रांसमीटर को देखना है। देखिए करंट विभाग रहा है, मैं इसको देखना है, ये हमारा स्टैंडर्ड है ना। एक बता देते हैं फिर आपको मौका देने के लिए। देखिए हो गया, फिर हो गया, तो ये क्या इस बात का इंडिकेट दे रहा है कि हमारा ट्रांसमीटर, हमारा प्रेशर पंप का वेट के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही प्रेशर कहाँ जा रहा है, इस पर भी लग रहा है जी। तो इसके कंडीशन में हमको 20 देना है जी, लेकिन ये 20 नहीं दे रहा, तो इसीलिए क्या करेंगे, स्पैनुला करेंगे, स्पैनुला घुमा के क्या जा रहा है मतलब। अच्छा अच्छा, इसमें 20 करना है जी, तो इसमें वही जैसे बताए उसको स्पैन को घुमाकर, उससे 20 नहीं करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ये तो दोनों बराबर हो गया। ये वाला इसका स्क्रू जो है जी, अंदर में उस स्क्रू को घुमाना है। ठीक है, जेड उसी से इसका जेड से जीरो सेट करना है, और इसी का स्पैन से 20 सेट करना है। इसका नहीं घुमाना है, तो दोनों बराबर हो गया, छोड़ देना। समझ रहे, मतलब वो अपने आया जैसे उठेगा उसे बस छोड़ देना। इसलिए कि इसको हम क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं ना, कितना प्रेशर दे रहे हैं, 6 kg जी, तो 6 kg तो हो गया, लेकिन 6 kg के बाद हमारा कैलिब्रेट किसको कर रहा है, इसको, तो ये अगर कैलिब्रेट सही नहीं है तो फिर इसको स्पैन से घुमा के वहां लाना पड़ेगा। समझ में आया। अब चलो आप क्या करेंगे कि अब हम इसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम हो गया, अब बीच वाला चेक करेंगे, तो बीच वाला चेक करने के बाद क्या करना, वेट उतारना पड़ेगा, इसलिए 1.5 kg और कितना है, 1.5 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 5 kg। तो इसके लिए रिलीज की को हम लोग धीरे धीरे खोलेंगे। इसमें प्रिकॉशन क्या है, इसको एक बारगी नहीं खोलेंगे और बगैर खोले वेट को उठाएंगे नहीं, ये प्रिकॉशन है। अगर मान लीजिए अचानक उठा दीजिएगा तो ये जो यहाँ पर है ना, आके यहाँ पर झटका मारेंगे, झटका मार बैंड हो सकता है, निकल सकता है, टूट सकता है ना, धीरे धीरे। और प्रेशर खोलने के बाद अब ये उठा लीजिए आप 1.5 kg, तो 1 kg तो ये है। अब एक कुछ ये ले लीजिए, फिर रिलीजी को बंद कीजिए, क्लोज कर, अब मारिएगा पंप, मारिए मारिए पंप, चलिए बारी बारी से मारिए, तो जहाँ उठेगा बंद कर दीजिए। कितने 1.5 kg ना, मतलब 8। बॉडी का आवाज नहीं आना चाहिए, थोड़ा एकदम फ्री हैंड मार जाओ। कब से होगा सर? सर बस बस छोड़ दीजिए, ठीक है, अपना जगह ले लिया है ना, फ्री हो गया। तो कितना आया नियर में? 8 ठीक है, 7.89 जो भी आ रहा लिख लीजिए, है ना, बाकी में एरर में चला जाएगा, 1.5 में चला जाएगा, बैठ जाएगा। अब 3 हो गया, चलिए मारिए। बस पहले तो प्रेशर है, ज्यादा नहीं देगा, कितना आया, 11.8 का कैलिब्रेशन ही है, इसलिए कम तो तोड़ सील के हटा नहीं सकते ना, और चप्पल 4.5 आप निकालना पड़ेगा धीरे धीरे, प्लेटफॉर्म को बैठा देते हैं, 4.5 करना, 4.5 करना, तो कितना होगा उतारना, 4.5 चढ़ाइए। चलिए रिलीज की बंद कीजिए, 4.5 क्लोज बंद करना, चलिए मारिए, चलाइए पंप, नियम ही कहीं भी जाइएगा, या इससे हम नॉन प्रेशर दे सकते हैं, उससे भी
ट्रांसमीटर को प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करते हैं तब नॉन प्रेशर देना। जो आ रहा वही लिख लीजिए, एरर चल रहा है ना। अब इसमें कितना ऐड करना होगा, लेकिन इसको कैलिब्रेट करना है जैसे जेड और एक्सपेन बताए थे और सब में। इसमें आप कितना ऐड कर लिया और छह का हो गया, देखिए तो दो चार एक पाँच चार चार एक पाँच साढ़े पाँच हुआ साढ़े पाँच हुआ ठीक है तो हो गया, फिर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। मारना पड़ेगा तो प्रेशर जा रहा है, उठ गया उठ गया 20 आ गया। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा एरर है। चलिए और कुछ पूछना था बोलिए, हाँ रिलीज कीजिए धीरे धीरे। अगला क्लास में प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन बताएंगे वाला।